आपके साथ देना चाहेंगे, जैसे कि हमने बात किया था आपको कि हमने आपको सामिक वगैरह सिखाया था, तो चलिए अब इसी चीज पे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक डेटा है नेम, कुछ डेटा हम तैयार कर लेते हैं। गलत हो गया, और यहां पे मेरे पास सैलरी है जैन है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इस तरीके से। देखिए हम इसमें इस फॉर्मूले में जैसे आपको हम कंसेप्ट बताने वाले हैं, फॉर्मूला आपको खुद ब खुद लगाना है, तो इसलिए ध्यान से देखिए और समझिए। तो डेटा मेरे पास कुछ इस तरह से है और मुझे जो समरी चाहिए, इसमें क्या है कि जैन फेब मार्च इस तरह से डेटा है हमारे पास, लेकिन मुझे जो सैलरी चाहिए समरी चाहिए वो चाहिए, ये मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ कॉपी उसे सीट पे पेस्ट, और मुझे यहाँ पे क्वार्टर वन का चाहिए, ठीक है क्वार्टर वन। तो प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे इसको सम करें, क्योंकि अलग अलग कॉलम में है ना, हम पिवट भी नहीं लगा सकते, पिवट लगाएंगे तो मुझे एक एक करके सम करना पड़ेगा, और ये भी क्वार्टर वन है चेंज होता है, कल के क्वार्टर टू हो गया क्वार्टर थ्री हो गया, ऐसे कुछ हो सकता है, तो कैसे करें। तो इसका कंसेप्ट यह है कि सबसे पहले तो मैं चूज का फॉर्मूला लगाऊंगा, और चूज फॉर्मूले की मदद से मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा कि ए आए तो वन आए तो जैन, टू आए तो अप्रैल, थ्री आए तो जुलाई, फोर आए तो अक्टूबर, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। अब मैंने फॉर्मूला लगाया यहां पे मैच का, मैच फॉर्मूले में हमने इसको सिलेक्ट किया और चला गया आपने डेटाबेस इस पे और सर्च किया कि जो जनवरी है उसका कॉलन क्या है, फिर एट दिस फॉर्मूले की मदद से हमने इसको सिलेक्ट किया कि रो नंबर हमारा वन होगा एंड कॉलम नंबर हमारा टू, ये होगा आपका जो सिलेक्ट करेंगे वो, तो जनवरी कौन से सेल पे है ये यहां पर आपको दिखा देगा कि जनवरी हमारा बी वन पे है। अच्छा, हम टू कर रहे थे बी टू है, तो हमें सम क्या करना है, हमें करना है सम करना है बी टू से लेके ये आपका आता है डी टेन तक, नहीं नहीं मुझे पर्टिकुलर पुनीत का सम चाहिए ना, तो यहां पे मैनुअल रो हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक और हमें मैच लगाना पड़ेगा, मैच जो कि पुनीत का रो नंबर मुझे शो करेगा, तो इसमें से पुनीत का रो नंबर इसने शो किया कि रो नंबर टू है, तो इस टू को मैं सिलेक्ट करके यहां दे देता हूं, तो डेटा हमारा B2 से स्टार्ट है। अब B2 से कहां पर जाना है, ओ चलिए एक बार हम देखते हैं,
एक सेकंड कीजिएगा सर। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पे हम करेंगे अगेन एड्रेस का फॉर्मूला। अब इसमें एक हाँ एड्रेस का फॉर्मूला, एड्रेस के फॉर्मूले में मैं सेलेक्ट करूंगा रो नंबर जो हमारा आ रहा है टू एंड कॉलम नंबर टू प्लस टू माने फोर। मतलब जो मुझे सम करना है वो सम करना है सीट वन और एन पर्सन के साथ हमने ले लिया कि बी टू से सेमी कॉलन एन डी टू, तो ये आपका सम आ गया। अब मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और यहां पे सम फॉर्मूले के अंदर में इनडायरेक्ट लगा के इसको सम कर दूंगा 95। ठीक है सर, डाउट इसमें सर वो सम लास्ट का सम का समझ में नहीं आया सर। यार ये बताता हूँ आपको, पहले पहले हमने जैन टाइम निकाल लिया, वही क्वार्टर वर्ल्ड का स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, फिर मैं मैच लगा के पता किया कि जनवरी कौन से कॉलम पे आ रही है, ठीक है, और अगेन एक और मैच लगाया कि पुनीत कौन से रो पे आ रहा है, तो मेरे पास दो नंबर रो एंड दो नंबर कॉलम आ गया जी। एड्रेस में दिया था बी टू बता दिया इसका, तो डेटा हमारा बी टू से स्टार्ट है। अब प्रॉब्लम है कि मुझे तीन महीने, अगर हमने क्वार्टर वन लिया है तो हमें तीन महीने लेना होगा जी, ठीक है, तो तीन महीने के लिए हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, हमने सिलेक्ट कर लिया प्लस टू कर दिया तो तीन हो जाए, यहां तक आ जाएगा ना। तो अगली बार जो हमने एड्रेस बनाया उसमें हमने कॉलन में प्लस टू कर दिया जिससे डी टू तक बन गया, समझे। तो ये हमारा आ गया कि हमारा स्टार्टिंग यहां से है और एंडिंग यहां पर है। तो जैसे हम सम वगैरह लगाते हैं तो सम वगैरह में क्या आता है, इस तरीके से आता है ना बी टू से डी टू, लेकिन किसी और सीट पे अगर हम लगाएंगे तो किसी और सीट पे क्या होगा, किसी और सीट पे इस तरह से वर्क करेगा जी। से सीट वन डी बी फोर से टू वन, तो मैंने वही कोलकाता डेट में सीट वन इसमें कंबाइन कर दिया, इसको इसको बीच के एक एड्रेस फॉर्मेट बना दिया। अच्छा 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 समझ गया जी सर, अभी समझ में आया। एड्रेस फॉर्मेट हमने इसको बना दिया जी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये तो बना है कोलकाता नेट का फॉर्मूला से, मतलब ये टेक्स्ट है और आप इस बात को जानते हैं कि टेक्स्ट को सपोर्ट नहीं करता है, समझे। अच्छा, फॉर्मूले के अंदर हम टेक्स्ट को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इसको सम के अंदर में इनडायरेक्ट कर दिया ताकि कन्वर्ट हो जाए जी। ठीक है सर जी सर, कोई डाउट इसमें नहीं सर, नहीं होना चाहिए डाउट। तो अब इसको हमने अलग अलग कंसेप्ट में आपको समझा दिया, अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसको एक सेल में फॉर्मूले को मर्ज करें, ये आप पे मैं छोड़ता हूं, ये आपको करना है जी सर, वो बेसिस सर पक्का करूं। ठीक है, अब चलिए दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं। तो यहां पे आपने देखा कि आपके पास जो डेटा है, एक डेटा एक बार रिपीटेड है तो आपने इसका इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मैं इसी डेटा को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता हूं और मैं सिटी को रिपीट कर दे, मतलब इसको रिपीट कर देता हूं अपने नंबर्स को। तो नंबर्स को हमने रिपीट कर दिया,
एंड कॉपी, और इसमें हम इसको पेस्ट कर देते पेस्ट वैल्यू। अब मुझे जो सम निकालना है सेम इसी तरह का निकालना है, लेकिन मैं मंथ लिखूंगा कि मुझे जनवरी महीने का चाहिए, मुझे फरवरी महीने का चाहिए यहाँ पे जी। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें जैन महीना कहाँ है हमें इसका पता नहीं है, हो सकता है जैन का जगह मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो। तो हम सामिफ फॉर्मूला को लगा सकते हैं कि आप अपने सामिफ फॉर्मूला लगाएंगे कि सामिफ हमने इसको रेंज को सिलेक्ट किया, हमारा डेटा में रेंज हमारा ए आ गया, क्राइटेरिया हमारा ए आ गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम आती है सब रेंज की कि सब रेंज मैंने अभी बी बाई बी किया क्योंकि जैन है, कल के डेट में फाइव हो गया तो मुझे मैनुअली इसको सी बाई सी करना पड़ेगा। अच्छा समझ गए जी सर, क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम समझ आ गया ना आपको? जी सर रेंज का प्रॉब्लम है सर लास्ट। हाँ, तो हमें कुछ ऐसा करना है जो कि इसी से रिलेटेड हो। तो उसके लिए क्या करेंगे? चलिए तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले कहीं पर रहने देते हैं। हम यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं मैच का, मैच फॉर्मूले को हम इसको सेलेक्ट किया, डेटा में गए और हमने कॉमा जीरो। तो मुझे बता दें कि मैच जो है तीसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर कॉलम पे आपका फरवरी है। तो मैं यहां पे सेम एड्रेस का फॉर्मूला बनाऊंगा, एड्रेस रो नंबर वन कॉलम नंबर थ्री, तो ये आपका सी वन बन के आ गया। लेकिन मैंने इसमें लास्ट में अगर मैं रिलेटिव सिलेक्ट कर लिया, मतलब कि फोर दे दिया कॉमा करके, तो ये क्या करेगा, डॉलर नहीं लगाएगा। अच्छा, फिक्स नहीं रहेगा। हाँ, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहां से लेफ्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें से एक करेक्टर को अलग करेंगे, तो सी अलग हो जाएगा और इसी के साथ हम कंबाइन कर देंगे अगेन इन्वर्टर का सेमी कॉलन, और फिर सेम हमने यहां पर लगा दूंगा लेफ्ट का फॉर्मूला और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सी बाई सी। अच्छा, लेकिन ये सी टू थ्री में है तो इसके आगे मुझे सी थ्री भी लगाना पड़ेगा, तो मैं यहां पे सी थ्री और इसको सिलेक्ट करके अंकल का ऐड कर देते हैं, ये हमारा सी थ्री सी बाई सी हो गया जी। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे जहां पे सी थ्री बी बाई सी वाई है इसको जगह पे हम इनडायरेक्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है जी सर? हाँ, इनडायरेक्ट में मैं इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो ये आपकी ड्यूटी है कि इसको एक सेल में आप इसको करें, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया ना आपको सर? जी सर। तो फ्रीज वीज करके आप इसको एक सेल में मर्ज करोगे, ये आप में छोड़ देता हूं। अब चलिए, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जो आता है, अब अगली क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है, इसी सेम मेथड से है, लेकिन वो क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ताकि मुझे समझ में आया कि आप कितना समझ रहे हो फॉर्मूला को। इसमें कोई बड़ी चीजें नहीं है, सारी चीज इसमें आती है, ऐसा कोई ऐसा फॉर्मूला है जो आपको नहीं आता हो, सारे फॉर्मूले आपको आ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मेरे पास कुछ बैंक्स है, मेरे क्लाइंट जो है बैंक्स है, जैसे कि IDBI, SBI, PNB एंड RBS, ठीक है। और हमारे कुछ इंजीनियर्स ट्रेनर जो कह लीजिए वो है, जैसे कि उदय, नेहा, कविता, मोनी,
अब मैं अभी क्या है कि ये लोग इस यहाँ पे काम किए, इनके आवर्स लिखे हुए हैं कि कविता ने स्टेट बैंक में 60 आवर्स काम किया है, नेहा ने पीएनबी में 50 आवर्स काम किया है, और 10 आवर्स मोनी ने आरबीएस में काम किया है। तो इस तरह का ट्रैकर मेरे पास आता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इससे हम एनालाइज, इससे हम जो है अपना एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि आखिर में है क्या, मतलब कि किसने कितना घंटा और कहाँ कहाँ काम किया है, कॉलम हो जाता है। आप समझ सकते हैं ना कि देखिए एनालिसिस तो करना मुश्किल है ना इसमें, पीवट लगेगा इसमें, नहीं लगेगा पीवट। जी अगर इसको 0-0 सबको ऐड कर दे तो उसमें नहीं, फिर भी नहीं लगेगा। हमें डेटा चाहिए कुछ इस तरीके से, कॉपी पेस्ट, यहां पे नेम और यहां पे आवर्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चंस आपके ऊपर हम छोड़ते हैं कि आप इसको बना के दें, तो ये फाइल मैं आपको भेज रहा हूं, ठीक है। इस फाइल पे जो चीजें हैं वो चीजें आप करके मुझे अभी मतलब कि मेल करें, और ये रिकॉर्डिंग में आपको मैं थोड़ी देर में अपलोड करके भेज दूंगा, ठीक है सर। जी सर, तो चलिए हम कल मिलते हैं सेम टाइम, और मुझे आशा करूंगा कि आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, जी ठीक है। मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके बाय।